आपको होगा कामयाबी मिलेगी मिलेगा। मैं इसमें मतलब उससे कह देता हूँ, जब मन की वो दुविधा नहीं होना चाहिए, यम यम चिंतति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अगर आप सच्ची मन से करेंगे लगन तो आपको जरूर मिलेगा। मैंने एक अनुष्ठान लिया है, मेरा कुछ काम खराब हो गया था, पहले परमिशन तो मिल गई, मैं भटवाड़ी रहा, तो एक वो प्यारे महाराज था, प्यारा महाराज, तो वो मेरे से थोड़ा से द्वंद करता था, क्योंकि ऐसा कि वो चाहता है सेवा का, जो जनता है जो वृत्ति वाला है वो कुछ सेवा चाहता है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं दीदी बन गई, मेरे पास इतना समय था, मैं सूत्र 8 घंटे मुझे जॉब करना पड़ता था, मैं उतना समय दे नहीं पाता था। अब मुझे घर के अंदर जब बैठता हूँ मैं तो बहुत टाइम लग जाता था, अब इतना पूरा करूँगा तो अभी उठूंगा, मेरा हट है कि इतना जॉब करूंगा तो अभी उठूंगा, टाइम ज्यादा लग जाता था। ऐसे करते 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 5-6 साल लग गए मुझे। अब वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का माहौल, उस कुटिया में कोई बोले महात्मा रहता था, तो उस महात्मा से पैदा रहता था, तो कुछ वहाँ जो यात्री देता था, बासा कुचा होता है, सब लोगों को देता था प्रसाद रूप में, लेकिन जब से रोड आया तो सीधे गाड़ी में बैठ के लोग जाते हैं, वो अन्नछत्र बंद हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्या जानते हैं आप, रामदाना होता है, झंगोरा या रमार्छा वो होता है, कुछ आलू होते हैं, कुछ झंगोरा ये श्यामा चावल, उसको मैं फला रखाता था, फला एक टाइम खाता था। अब मेरे पास उतना साधन नहीं था, मेरा साधन सीमित था, अब मैं कहाँ से गिरा हूँ, तो उनको मानने कुछ दूसरा भाव आ गया कि महाराज होते हुए आपको गिराता नहीं है, क्योंकि परंपरा वही आश्रम से चलता था गांव की भी कुछ। तो मेन बात ये जब ये हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ये सीआईडी है, न किसी से लेता है न किसी से देता है, घर से निकलते ही नहीं है, देखिए इनको मन के तो शक पड़ गया। आप सीआईडी आए तो वहाँ मेरे को वहाँ से 4-5 सीआईडी ग्रुप है, तो लोग कहे हमको तो ऐसे नहीं लगा कुछ महाराज को ऐसे देखते हुए। मेरे पास 2 लंगोटी था, एक खप्पर था, एक नारियल का बुड़वा था, उसमें भी खाना खाता था, अब एक चिप्पी था उमन का, वो भी लकड़ी का, सब लकड़ी का। अब उन्हें कहे ना कोई सीआईडी जरूर है, ये घर से निकलता नहीं है, क्या खाता है, जा तो उन्होंने सीधे ही को कर दिया कंप्लेन दिल्ली में। अच्छा, और वहां से सीधे ही मेरे पास आया साधु बन के, महाराज क्या पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा संगीत पसंद करता था, समझी तो बहुत संगीत में रहे, संगीत पसंद करता था, तो संगीत पसंद करते वो संगीतकार बन के आया, थोड़ा साधु का जो प्रोटोकॉल होता है महाराज वो अलग होते हैं और उसका नियम धर्म भी अलग होते हैं, तो उसको नहीं देखा मैंने कुछ महात्मा को, मुझे महात्मा को नहीं दे कुछ जाली लग रहा है मुझे, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं क्या बोलूं। आप जब मैं कहा कि ऐसा 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 ऐसा, तो मैंने उसे कहा कि ये जो चीज है महात्मा जी, ये आप जो कर रहे ये हमारे लिए नहीं होते, तो मैं बातें बात करते करते बोलता हूं महाराज जी मैं महात्मा तो नहीं हूं, आपका शिकायत गया और इसलिए हमको आना पड़ा माफ करना, कि आप खाते क्यों नहीं, लेते क्यों नहीं है, क्या करते अंदर। मैंने कहा भाई ये हमारे गुरु का आदेश है, हम गुरु का कहने में चलते हैं, हमको ऐसा करना है, गुरु ने कहा, हमको उससे समय बहुत लग रहा है, इसलिए हम निकल नहीं पाते, एक टाइम हम लेते शरीर हल्का रहता है, उस समय यंग थे 40 साल का थे हम, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। तो देखिए जब मैंने उसको देखा एक कर गया तो चमक गया कि महाराज जी मैं साधु नहीं हूँ, ऐसा ऐसा बात आई, कुछ आम से लीजिए ना, तो मैंने एक क्रिया दिया उसको, इस क्रिया को करो, तो वो नहीं कर पाया, ये क्रिया तो हमने कभी देखा नहीं जीवन में, ये सब साधु का गुप्त होता है, गुरु के पास से मिलता है, पुस्तकों में नहीं लिखा रहता है। तब उन्होंने कहा कि हम तब हम मेरे पास सीधे ही लोग आया, वहाँ गोरखा रेजिमेंट था, वहाँ सामने इंटर कॉलेज अभी भी है जी, इंटर कॉलेज है, उसका मेडिकल था,
और गांव वाले थे, तब सब इकट्ठा हुआ, मैं एक बार उसमें अखंड रामायण करवाया टीचू में जी। तो उन्होंने कहा महाराज कोई स्कूल खुलिया ही है। मैंने कहा भैया ये सब करने दिया है, ये सब करने से हमारा आयु नहीं है, हम इसमें समय बहुत लगे। नहीं नहीं आपका साक्षी है ये, ठीक है साक्षी में हो जाऊंगा, गन्ना धरना आपने तो महाराज आप कुछ भी काम करने चाहिए, अगर मन के बात सबको संसार में आप सबको खुशी नहीं कर सकते हैं, अकेले रहना, मुझे भिक्षा भी करना है, मनाना है, तब तो दो चार महात्मा और आ जाता है, फिर उनको भी खिलाना है। आप नहीं कर सकते, अभी यहाँ भी हूं मैं, से एक दिन 52 आदमी आ गया, एक दिन 36 आदमी आ गया, एक दिन 33 आदमी आ गया, मैं अकेले करता हूं, एक बार तो अभी आया, साधना भी करता हूं। तो ये जो इस लाइन जो है साधना, ये महाराज लग्जरी लाइन नहीं, मेरी कहा कि तुम ऐसे जो सोच रहे हो ऐसा नहीं, तो सरल नहीं है, भला बुरा आपको सहन करना पड़ेगा। अभी भी मैं अभी फोन आया जो उसे रिटायर हो गया, लद्दाख से रिटायर हो गया सीबीआई के साथ, लद्दाख में उनके बॉर्डर बॉर्डर में ड्यूटी होती है, तो उनके पास एक कोड होता है सीआईडी का, वो लाया मेरे पास कि आप इसको पढ़ सकते हो ना, तो उनको विश्वास कर नहीं मारा, तो आप इतना विरक्त क्यों है। तो अब मैंने अपना लाइफ जो साधना का बताया ये सही सही है, मेरा कितना जन्म बीत गया मेरा, आप क्यों खुद रहे हो, आपको उसको पता नहीं दिन रात चले जाएगा, मैं इतना ही कहता हूँ, मेरा बहुत जन्म छुपा के रखते हैं। हाँ ये आपको पता है, मुझे बिल्कुल पता है, वो कैसे पता होता है, वो आप ध्यान करते हो पता लग जाएगा। तो साधक जो साधना होता है बड़ा कठिन होता है, सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, और सब वो जानने इच्छा करता है कि महाराज ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मुझको विवेक और बहिरा तो चीज होता है। कल रात में एक बच्चों का उनके इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो 3 साल के बच्चे थे, और उनके जीवन जो है जिसे विरक्त शिरोमणि कहते हैं वो भी था, जो हम लोग सोचते हैं चिंतन करते हैं उसकी ऊपर उन्होंने इतना त्याग तपस्या किया। उस समय समझ लीजिए कि जिस समय हम लोग आए इतना सड़क वड़क नहीं था, थोड़ा थोड़ा बन रहा था कहीं कहीं, लेकिन जनता भी बहुत सुंदर थे यहाँ का, भले भले शहरों को, अब तो रोड आने के बाद कुछ फर्क आ गया, होता है हर जगह होता है, लेकिन उस समय जो छठे पुराने संत थे, एक तो थे कृष्णाश्रम जी, एक था नरहरि महाराज, एक था गंगादास पलारी महाराज, एक था हंसानंद महाराज, एक तपोवनी महाराज, एक शिवानंद जी महाराज, और एक था पुरुषोत्तम जी, वो भी थे बहुत उच्चोटी संत थे। मतलब उनके जीवन ही वो चीज है जो शास्त्रों में लिखा है, वो उनके जीवन था, उनके जीवन का हम वर्णन करें जितने कार्य तो कम है। तपोवनी महाराज इतने अच्छे थे, तो मतलब वो एक टाइम भोजन करते थे और अपना ही उसमें स्थित रहते थे अपने स्वरूप पे, मतलब उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता हमें। अभी वैसे संत तो खैर में होगा ऐसे में इस धरती तो खाली नहीं, एक से एक है, लेकिन कहने का मतलब हमारी नजरों में 140 साल के रामा बड़े रामानंद जी महाराज जी थे लक्षेश्वर में, 140 साल की उम्र छोड़ा, शरीर छूटी नहीं रहा उनका, ये शरीर था उनका, पानियों में वो ऐसे ही रहते थे बचे, बस एक तटस्थ नहीं। आपने उनके दर्शन किए थे? मैं तो समय आसाम में रहा। अच्छा उस समय आप आसाम में थे, अच्छा, पर ये बड़े प्रसिद्ध संत हैं जो यहाँ बहुत हमें सुने, लेकिन हमको आने का मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कुछ तो कुछ तो मिल गया था। मैं 71 का बाद आया महाराज यहाँ पर, उस समय बोले हम उधर ही रहा आसाम की तरफ कामेक्षा का, तो हमने सुनते रहे, लेकिन उस समय रास्ता घाट बने हुए कोई कोई कुछ बने भी नहीं है, लेकिन उनसे महात्मा दर्शन कर से मन का इतना भर जाता महाराज, एकदम आनंद में पुलकित हो जाता उनका जीवन ऐसा था कि क्या बताऊंगा।
बिल्कुल तत्वदर्शी था, अपने इस शरीर से परे हो जाता था वो, कोई किसी से नहीं कहे, लोग आता है जो भी उनसे बन पता है सेवा, वो गमे में लेते थे सेवा, अपने जब बढ़ गया तो बैठ गया, जैसे नीम करोली बाबा था वही उच्च कोटि के समझा। ये लोग महापुरुष के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है, तो इसलिए हम की धरती में अभी तक जो भी इस धराधाम में जो भी महापुरुष हैं उनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग उनके पदचिन्ह में अनुसरण के प्रयास करते हैं, देखिए क्या कहाँ तक कैसे हो उस प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी, कोई जाते नहीं आते नहीं, मैं यही रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, हमारा ये बच्चा आया अभी ये सेवा कर रहा है, मैं तो मेरे पास टिकता नहीं, अगर फंक्शनल लोगों को बहुत कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं, जो चाहिए तुमको यही मिल जाएगा। संत महात्मा जीवन में से ही हमको बहुत शिक्षा मिलता है महाराज, जैसे बुद्ध भगवान का था, कितना अच्छा प्रेरणा उनका था कि भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हर इंसान को होता है कि नहीं, तो आप उस सत्य के ढूंढ में चलते हैं, और सत्य के ढूंढ जो ऐसा वस्तु है जो तीनों काल में से परे होते हैं, कलातीत कहते हैं जिसको, जो न कभी सरता है न गलता है न दुख है न सुख है न द्वंद है ना, वो क्या है उसकी ढूंढ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी प्रेरणा से। अभी भी मैं उनको यही कहता हूँ, सभी लोग हम लोग संत लोग आते ही हैं, मिलता है, सेवा करते हैं, आप भी सेवा करते हैं, बहन जी भी हमारी उन्हीं से जुड़ी हुई है, सभी लोग उन्हीं के पद चिन्हों में, तो ऐसा महापुरुष अभी भी महाराज से पड़े हुए हैं, उनके प्रेरणा से हम लोग चल रहे हैं। नरहरि महाराज जी थे नेपाल का महाराज, महाराज की कुलोप्रियता, उनकी लड़की उनको नहीं पहचान पाया ऊपर रह जाते, अंतिम जब प्राण छोड़ा उन्होंने दसी दूर से प्राण निकाला, समझिए इनकी आंखें नहीं थी नरहरि महाराज जी, अच्छा बहुत अच्छे बात। नरहरि महाराज का जीवन जो है बहुत, जब बर्फ पड़ता था ऊपर जाता था, अच्छा जब बर्फ खत्म हो जाता तब धीरे धीरे आता था गंगा। और समझिए हंसानंद महाराज जी को तो आप मिले होंगे, वो भी बहुत बड़े तपस्वी थे, हंसानंद जी थे आपका, एक एक था वो स्वामी जी उसका नाम, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, अब चिन्मय मिशन से जुड़ा हुआ है, वो नाम है स्वामी जी था जो क्या नाम है, वो फोटोग्राफी करता था, सुंदरानंद स्वामी जी, सुंदरानंद जी जी बिल्कुल, ऐसे देखा था, ऐसे तो व्यवस्था नहीं था उस समय, ना ना महाराज 77-78 के बाद है, ऐसी व्यवस्था नहीं था, और बहुत ही उनके क्या जितना प्रशंसा करे, तो उन लोग जीवन, उनका जीवन बहुत अलग ही था, जैसे कृष्णाश्रम जी थे, हाँ समझिए भी अद्भुत संत थे, वो तो वस्त्र पहनता ही नहीं था, बहुत राजा ने राजा महाराज उनको दर्शन करने आया तो छुप गए, तो पंडित को कहा कि तुमने महाराज का दर्शन नहीं किया तुम्हारे दर्शन पानी बंद करवा दूंगा मैं, तब उन्होंने रो रो ढूंढ ढंड कर महाराज अगर आप दर्शन राजा को नहीं दिया तो हमारा जितनी हम यहाँ का जो पंडित लोग है हमें बहुत वो बड़ा आनंद है, बहुत आनंद, हम मैं तो अकेले